हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं होती हैं जिनका सीधा असर हमारी किडनी पर पड़ता है। अगर समय रहते इन समस्याओं में सुधार न किया गया तो हमारी किडनी डैमेज भी हो सकती है। आज के वीडियो में हम किडनी पर बुरा असर डालने वाले एक ऐसे ही एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के और वीडियोस को भी आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कुछ ऐसे पोषक तत्व जिनका हमारे शरीर में सामान्य स्तर में पाया जाना हमारे लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इन पोषक तत्वों का लेवल बढ़ने से कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसी तरह क्रिएटिनिन है। क्रिएटिनिन एक इस तरह का एलिमेंट है जो हमारे शरीर के ब्लड और यूरिन में पाया जाता है। किडनी ब्लड में से क्रिएटिनिन को फिल्टर करने का काम करती है, जिसके बाद वेस्ट मटेरियल के रूप में यूरिन के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। आज हम आपको इम्पोर्टेंट 5 टिप्स के बारे में बताने वाले हैं जिनको अपनाने से आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं और किडनी में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। नंबर 1, शरीर में क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने के लिए आपको अधिक पानी पीना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ज्यादा पानी के सेवन से हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है, जिससे लगातार हमारे मूत्र मार्ग से विषैले पदार्थ के रूप में क्रिएटिनिन बाहर निकलता रहता है। नंबर 2, हर्बल टी के सेवन से भी पड़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम किया जा सकता है। रोजाना 1 कप हर्बल टी पीना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। नंबर 3, अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन के इस्तेमाल से बचें और अपने आहार में विटामिन और फाइबर से भरपूर फलों का सेवन ज्यादा करें। आप अपनी डाइट में पपीता, सेब, अनार, हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। नंबर 4, शरीर में क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करने के लिए सफेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सफेद नमक में सोडियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि किडनी पेशेंट्स के लिए फायदेमंद नहीं होता। हम सेलेविया का इस्तेमाल कर क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। दरअसल सेलेविया एक तरह का हर्ब होता है जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।